नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हमारे साथ प्रिया तिवारी। नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की खास खबरों पर। होशंगाबाद और हरदा जिले में मूंग की फसल को पानी देने के लिए नहर को खोला गया है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने इटारसी के ताप डेम पहुंचकर नहर के गेटों का पूजन किया, जिसके बाद मंत्री ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर स्वयं गेटों को खोला। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मंत्री नहर से पानी छोड़ने के पहले तवा डेम पहुंचा हो। बता दें कि पहली बार तवा डेम से 510 क्यूसेस पानी मूंग के किसानों के लिए छोड़ा जा रहा है। साथ ही कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस दौरान किसानों को संबोधित किया और प्रधानमंत्री मोदी और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। आपको बता दें कि कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस दौरान किसानों को संबोधित किया है और प्रधानमंत्री मोदी और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं की उनको जानकारी दी है। भोपाल में अपना मस्क अपनी सुरक्षा अभियान के तहत कोविंद सिंह राजपूत ने भोपाल के ISBTC बस स्टॉप पर यात्रियों और बस ड्राइवर को अपने हाथों से मास्क पहनाया। वहीं लोगों से मास्क लगाने की भी अपील की गई। वहीं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपील की कि साथ साफ तौर से यह चेतावनी दी है कि अगली बार कोई यात्री या ड्राइवर मास्क पहनते नजर नहीं आया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह अपील की है कि अगली बार अगर कोई यात्री या ड्राइवर मास्क पहनते हुए नहीं नजर आएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि अपील की गई है लोगों से कि मास्क अपना जरूर पहने रहें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन साफ तौर पर करें। बता दें कि परिवहन मंत्री ने लोगों को जागरूक किया और साथ में कोरोना के प्रति सचेत रहने को कहा है। लोगों को ये बताया कि आप सभी लोग मास्क पहने, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। तो ये खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां परिवहन मंत्री ने लोगों से अपील की है और कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया है। मेरी सुरक्षा, मेरा मास्क अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है। आप सब देख रहे हैं कोरोना जैसी महामारी फिर से पांव पसार रही है। महाराष्ट्र का बुरा हाल है, महाराष्ट्र की बॉर्डर से मध्य प्रदेश लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में बीमारी पुनः पांव ना पसारे, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है। और जागरूकता के तहत मैं परिवहन मंत्री के नाते, चूंकि बसों में बहुत ज्यादा यात्री सफर करते हैं और हजारों लाखों यात्री सफर करते हैं, उनमें जागरूकता बहुत जरूरी। के पालनगरा में अचानक आग लगने के कारण 3 से 4 बीघे के गेहूं जलकर राख हो गए। वहीं आग की लपटें देखते ही देखते ग्रामीण आग बुझाने में जुट गए। साथ ही गांव वालों ने आलोट फायर ब्रिगेड को मामले की सूचना दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तब तक फसल जलकर खाक हो गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि आग की वजह से 50 से 60 हजार रुपए की फसल जल गई है और किसानों का भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। तो आलोट से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आग लगने से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि आग लगने के कारण गेहूं की जो फसल है वो जलकर खाक हो गई है। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी, उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन अभी तक किस कारणों से आग लगी है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। फिलहाल किसान को इससे भारी नुकसान पहुंचा है। और वहां से मतलब 2-3 बीघा के गेहूँ जल गए और उसमें मतलब फायर ब्रिगेड को फोन लगाया तो मतलब 1-1.5 घंटे के बाद लाइट मतलब ये आग बुझने के बाद आई वो भी, और उसके बाद बहुत नुकसान हुआ। फिर गांव वाले आसपास खबर लगी तो मतलब 101 लोग इकट्ठा। खबर रतलाम से, जहां पुलिस ने सुपारी देकर हत्या कराने का षड्यंत्र रचने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उक्त आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल और कारतूस भी जब्त किए गए हैं। वही मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 4 आरोपी आदतन अपराधी हैं और इनके विरुद्ध कई आपराधिक प्रकरण पूर्व में दर्ज है। आरोपी दीपू टांग के खिलाफ 32 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले भी हैं।
वहीं इसके अलावा आरोपी अविनाश के खिलाफ 7 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। वहीं बलवंत राजपूत के खिलाफ 7 आपराधिक प्रकरण और विनोद शर्मा के खिलाफ 3 अपराध दर्ज है। तो खबर हम आपको रतलाम से बता रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने यह बताया है कि गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी आदतन अपराधी हैं और इनके खिलाफ कई आपराधिक प्रकरण भी पहले से दर्ज हैं। वही आरोपी दीपू टांग के खिलाफ 32 आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले हैं। वही इसके अलावा आरोपी अविनाश के खिलाफ 7 आपराधिक प्रकरण और बलवंत राजपूत के खिलाफ 7 आपराधिक प्रकरण, वही विनोद शर्मा के खिलाफ 3 अपराध दर्ज किए गए हैं। पहले प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें पैसे की सुपारी देकर हत्या का षड्यंत्र रचने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसे बताना चाहूंगा, एक फरियादी है मुकुल नामक व्यक्ति की रिपोर्ट पर थाना आईए रतलाम में धारा 115 387 384 IPC और 3/4 मध्य प्रदेश रेडियो का संरक्षण अधिनियम एवं 2527 आम साइड का कायम हुआ है, जिसमें 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें दीपू टांक, विनोद शर्मा, बलवंत गोयल और अविनाश टांक निवासी सभी रतलाम शहर के ही हैं। इन 4 लोगों पर कायम कराया गया है, क्योंकि ये 4 लोग जो घटना का इस अपराध का फरियादी है उससे उस पर दबाव बना रहे थे कि 3 लाख रुपए लेके और इस एक व्यक्ति पिंटू। सिंगरौली जिले के वैडन में कलेक्टर राजीव रंजन मीना, पुलिस अधीक्षक बीरेन सिंह और कमिश्नर नगर निगम RP सिंह ने मास्क बांटे। लोगों को कोरोना जैसे जानलेवा बीमारी से सतर्क रहने, सामाजिक दूरी बनाए रखने की सलाह दी। इसके साथ ही देवसर में SDM विकास सिंह चितरंगी ने, नीलेश शर्मा व मोरवा में पुलिस ने सायरन हूटर बजाकर कोरोना अलर्ट का संदेश दिया। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने व मास्क लगाने का निर्देश देते हुए सतर्क रहने के संदेश दिए। मोरवा थाना क्षेत्र के IG चौक, बस स्टैंड, सब्जी मंडी के साथ साथ पूरे शहर में SDOP मोरवा राजीव पाठक के साथ साथ भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र गर्ग व नगर निगम के अधिकारियों के मौजूदगी में सारण हूटर बजाते हुए जनमानस को COVID-19 से सतर्क होने के संदेश दिए गए। इस मौके पर नगर के समाज सेवी व्यवसायी पत्रकार भी मौजूद रहे। तो खबर हम आपको सिंगरौली से बता रहे हैं, जहां पर कोरोना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस ने सारण हूटर बजाकर लोगों को संदेश दिए हैं, साथ ही मास्क भी बांटे हैं। इसके अलावा पुलिस ने लोगों को यह संदेश दिया है कि आप सभी मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज पूरे इस सिंगरौली जिले में सायरन 11 बजे और 7 बजे सायरन बजा करके हम सबों ने इस आम जनमानस को एक जागरूक, इस कोरोना से बचने के उपाय के लिए संकल्प दिलाया है। आज हम सबों ने स्थानीय TI को लेते हुए पूरे बाजार का भ्रमण किया और जो भी दुकानदार इस तरह से अगर बगैर मास्क के पाया गया, उसको हम सबों ने प्रेम से समझाया है कि इस कोरोना से बचने के लिए, अपने जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए मात्र एक ही उपाय है कि हम मास्क लगाना। देश के ग्रामीण व शहरी इलाकों में छिपे प्रतिभा को अगर मौका मिले तो वो भी विश्व पटल पर अपना हुनर बखूबी बता सकते हैं। जरूरत है ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाने की, और ऐसी ही प्रतिभा है मध्य प्रदेश के मंदसौर की एक बेटी की, जिसने आज के वक्त में सिंगिंग में एक अलग ही पहचान बना ली है। कौन है ये लड़की और क्या है इसकी काबिलियत, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। ये है मंदसौर की बेटी हर्षिता कजोतिया, जो एक गरीब परिवार की रहने वाली है। परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने हुनर और काबिलियत के दम पर सिंगिंग में एक अलग पहचान बना चुकी है। वहीं आपको बता दें कि हर्षिता कदोतिया सिंगिंग के साथ साथ कई सारी एल्बम्स में भी काम कर चुकी हैं। वहीं बीते दिनों महाशिवरात्रि पर हर्षिता ने महादेव पर बना एक गाना रिलीज किया, जिसको दर्शकों ने काफी पसंद किया।
वहीं हर्षिता से जब इस विषय में बात की तो उन्होंने बताया कि मुझे बचपन से ही सिंगिंग का शौक था। एक सपना था कि वह एक अच्छी सिंगर बने, लेकिन परिवार के सपोर्ट के बिना हर्षिता का सपना अधूरा सा हो गया। हर्षिता ने स्कूल में कई तरह के परफॉर्मेंस दिए, वहीं किसी का सपोर्ट न मिल पाने के कारण हर्षिता ने अकेले हुनर के दम पर अपनी आवाज को पहचान दी। मैं छोटी थी, जब 7th क्लास में थी तब मैंने थोड़ा बहुत गाना गुनगुनाया था स्कूल में, और मेरी बहुत आदत थी गाने की। लेकिन मैं जैसे ही घर पे लेकर आती थी, कोई भी शील्ड वगैरह लाती थी या ट्रॉफी वगैरह लाती थी, लेकिन मेरी मम्मी उस चीज़ में सपोर्ट नहीं करते थे, पापा सपोर्ट नहीं करते थे कि नहीं पढ़ाई में लेकर आओ, सिंगिंग में लाने से कोई मतलब नहीं है, पढ़ोगे नहीं तो कमाओगे क्या और खाओगे क्या, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गरीब घर से बिलोंग करती हूँ इसलिए। लेकिन फिर जैसे मैं बड़ी हो गई और उसके बाद फिर मैं कॉलोनी में भी हर जगह माइक पकड़ के बस गाने लग जाती थी, तो कॉलोनी वालों ने आके मेरे घर पे बोला कि ये बहुत अच्छा गाती है, इसको थोड़ा बहुत तो सपोर्ट कीजिए आप। तो उसके बाद फिर मेरे घर वालों ने थोड़ा बहुत सपोर्ट करना स्टार्ट किया और अभी मैं हर्षिता सिंगिंग के साथ साथ भजन संध्या में कई छोटे बड़े प्रोग्राम में अपना करियर बनाकर बड़े प्लेटफॉर्म पर अपना नाम दर्ज कराना चाहती हैं और एक नया मुकाम हासिल करना चाहती हैं। वहीं प्राइम टीवी मंदसौर की बेटी हर्षिता के उज्जवल भविष्य की कामना करता है, ताकि वो अपने परिवार के साथ साथ देश और जिले का नाम रोशन कर सके। प्राइम टीवी के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।